धनबाद में झामुमो के नए कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसको लेकर नेताओं में काफी उत्साह दिखा। कार्यक्रम के बाद धनबाद सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ विनोद पांडे के पीछे लग गई थी। वहीं मुख्य अतिथि विनोद पांडे की विदाई के बाद जिला सचिव मन्नू आलम द्वारा बाघमारा के रतिलाल टुड्डू को कोल मर्चेंट बोलकर ताना मारा गया। इसके बाद रतिलाल टुड्डू समर्थक और मन्नू आलम समर्थक के बीच विवाद शुरू हो गया। मन्नू आलम द्वारा रतिलाल को कोयला चोर बोले जाने के बाद रतिलाल समर्थकों ने मन्नू आलम को पत्थर चोर कह दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। हालांकि मामले पर गंभीरता दिखाते हुए जिला प्रवक्ता नीलम मिश्रा ने बीच बचाव करते हुए आला अधिकारी को शिकायत करने की बात कही, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि घटना के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमको भी तो मिलना चाहिए, कोई अनाप शनाप कोई कुछ भी बोल देगा, ये तो सही नहीं है ना। चलिए ना भी मामला करेंगे। नहीं, अगर मनुदा चोर को ना रति दाखो तो हम जाएंगे रांची मनु के अगेंस्ट में। इसके बारे में बाद में बात किया जाएगा। कौन होता है मनु इसको चोर बोलने वाला? किसी को कोई पावर नहीं है किसी को अपमान और बेइज्जती करने के लिए। बात हम भी समझ रहे हैं, अगर गलत है तो गलत है, वो बात अगर बोले तो गलत है। ये चीज मेरे लिए सबसे जिला सचिव और घटना वाला हर बात का खाली रिकॉर्डिंग क्या है? क्या चलिए बात खत्म करो। चलिए ना, अगर बारे में बात में बात करेंगे। बात हम समझ रहे हैं, अगर गलत है तो गलत है, अगर बोले तो गलत है। ये चीज गलत बोले हैं, गलत है तो गलत है। मर्चेंट बोला, मर्चेंट बोला, मर्चेंट बोला, मर्चेंट मर्चेंट बोला तो मनु के गेस्ट में हम करेंगे।